स्टूडेंट्स, हम लोग EBS पढ़ेंगे क्लास 3 का। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लासेस में क्लास में मैंने ब्लाइंड पीपल के बारे में बताया था। आज हम लोग स्कूल फॉर द ब्लाइंड पढ़ेंगे, ठीक है। There are some schools meant only for the blind children. ऐसे कुछ विद्यालय हैं, स्कूल हैं, जो कि सिर्फ इसके लिए हैं, अंधे बच्चों के लिए, जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए। They are taught and their talents are developed. वहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं और अपने टैलेंट को और डेवलप करते हैं, ठीक है, और बढ़ाते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। Many of them sing very melodiously. कुछ उसमें से इतने मधुर स्वर में गाते हैं और कुछ तो प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ तो वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो रीड लेटर्स ऑन ब्रेल, और वो लोग ब्रेल पे लेटर्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रेल सिस्टम ऑफ रीडिंग राइटिंग वॉज इन्वेंटेड बाई लुइस ब्रेल। ब्रेल क्या है? एक रीडिंग एंड राइटिंग का सिस्टम है जो कि इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने। ए ब्लाइंड फ्रेंचमैन, जो कि एक ब्लाइंड फ्रेंचमैन थे, उन्होंने क्या किया था, इसे आविष्कार किया था, ठीक है। ब्रेल सिस्टम जो कि किसके लिए? ब्लाइंड पीपल के लिए। जो अंधे होते हैं वो किससे पढ़ते हैं? ब्रेल से पढ़ते हैं, ठीक है। ही वॉज नॉट बॉर्न ब्लाइंड, वो अंधे ही नहीं जन्मे थे। लाइक हेलन केलर ही लॉस्ट हिज आइज व्हेन ही वॉज जस्ट 3 years old. हेलन केलर की तरह वो भी अपनी आइज को लॉस्ट मीन्स गंवा दिए थे जब वो 3 साल के थे, ठीक है। सिंस ही वॉन्टेड टू स्टडी ही इन्वेंटेड अ मैथड ऑफ रीडिंग बाई हिमसेल्फ, वो पढ़ाई करना चाहते थे इसीलिए वो पढ़ने का खुद ही एक मैथड इन्वेंट किए, ठीक है। तो उसी मैथड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेल, ठीक है। तो ब्रेल सिस्टम क्या है? ब्रेल एक ऐसा सिस्टम है जो कि पढ़ने और लिखने के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जो अंधे होते हैं, ठीक है। इसको किसने इन्वेंट किया था? लुइस ब्रेल ने, ठीक है।